बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं इंजीनियर कार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5.2 किलोवाट सिस्टम की। इस सिस्टम के तमाम तर तफसीलात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये सिस्टम आज से 10 माह पहले इंस्टॉल किया गया था। इस पे हमने कितने पैनल इंस्टॉल किए थे और हमें जो है कौन सा इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया था और कितनी एफिशिएंसी मिली और इस सिस्टम ने कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम बात करेंगे 5.2 किलोवाट सिस्टम के परफॉर्मेंस की। ये हमारे पास परफॉर्मेंस शीट है और 5.2 किलोवाट का सिस्टम आज से 10 माह पहले हमने इंस्टॉल किया था। तो ये उसकी डिटेल है कि उस सिस्टम से हमने क्या हासिल किया है और उस सिस्टम ने कितनी हमें बिजली जनरेट करके दी है और उस समय क्या फ़ायदा हासिल हुआ है, वो कस्टमर जिसने इंस्टॉल करवाया था उसको क्या बेनिफिट मिला है और इसके अलावा कितने यूनिट ऑफ बिजली इसने प्रोड्यूस की है, ये तमाम तर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो जो पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं वो 330 वाट के ट्रीना ब्रांड के हैं और 16 पैनल हमने इस्तेमाल किए थे। तो यूँ इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनती है वो 5280 वाट बनती है। इसके अलावा जो इन्वर्टर हमने यूज़ किया था वो टेस्ला सोलर 5.2 किलोवाट का यूनिट इंस्टॉल किया था और इसने जो हमें जनरेट करके दी है इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम वो 4780 वाट है। 5280 हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी और इसने हमें जो जनरेट करके दी है वो 4780 वाट है। यू अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 90.5% हमें एफिशिएंटली इसने कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करके दी है। और अभी बात करते हैं कितनी बिजली इसने प्रोड्यूस की। इन 10 माह के दौरान जो हमारे सिस्टम ने बिजली प्रोड्यूस की है वो 3570 यूनिट हैं, यानी 3570 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की है हमारे इस 5.2 किलोवाट के यूनिट ने। और एक एवरेज जो सिस्टम होता है 5.2 किलोवाट का वो तकरीबन 340 से लेके 400 के दरमियान जो है यूनिट प्रोड्यूस करता है और इसकी जो डेली एवरेज होती है, वैसे तो ये वेदर कंडीशन, सनलाइट, सन रेडिएशन इस पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं जिस पर एनर्जी प्रोडक्शन डिपेंडेंट है, लेकिन जो इसकी डेली एवरेज होती है 5.2 किलोवाट सिस्टम की वो 16 से 30 यूनिट होती है जनरेट करने की। और अभी बात करते चलें कि क्या फ़ायदा हुआ इस कस्टमर को जिसने ये इंस्टॉल किया है। तो ऑलमोस्ट उस कस्टमर का जो बिल है वो 71% रिड्यूस हो गया है। ये एक ऑफ ग्रिड सिस्टम उसने लगाया था और इसकी सिस्टम को इस्तेमाल वो इस तरीके से करते हैं कि सुबह 8 बजे वो अपना जो वापडा का ब्रेकर है वो बंद कर देते हैं और 8 से लेकर जो है शाम 5 बजे तक उनका सोलर सिस्टम ही चल रहा होता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये हमारा यूनिट इस वक्त हमारे पास है जो है 57.4 हमारी बैटरी की वोल्टेज है और 40% लोड जो हमारे इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है जो कि 2 किलोवाट बनता है। और इसके अलावा जो आउटपुट हमारे सिस्टम की जो यूज़ हो रही है वो 3.16 किलोवाट है और यानी ये 3.16 पावर जनरेट कर रहा है, यूनिट 3.16 किलोवाट आवर पावर जनरेट कर रहा है और जिसमें से 2 किलोवाट जो है हमारा लोड यूटिलाइज कर रहा है, बाकी जो है बैटरी की चार्जिंग के लिए है। और इस दिन के इस वक्त इसने 15.3 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली है। टोटल इसके प्रोडक्शन जो है 3620 है यूनिट जिसने 10 माह के अंदर प्रोड्यूस किए हैं। तो ये इसकी तमाम तर एफिशिएंसी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।